हेलो एवरीवन, क्या हालचाल, कैसे आप लोग। उम्मीद है दोस्तों आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी के बीएड फर्स्ट ईयर का एक कंपलसरी सब्जेक्ट है जिसे हर एक बच्चे को पढ़ना है, फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव इन एजुकेशन के सिलेबस के बारे में। दोस्तों इसमें टोटल 3 पॉइंट्स है, तो इसके कंप्लीट सिलेबस देखेंगे कि आपको पढ़ना क्या है, पूरे यूनिट्स में क्या पढ़ना है, एग्जाम में सवाल कैसे पूछे जाते हैं और कौन सा पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो कि हर साल रिपीटेड सवाल पूछा जाता है। तो बहुत ही खास होने वाली है यह वीडियो बुंदेलखंड झांसी विश्वविद्यालय के बीएड फर्स्ट ईयर के सभी बच्चों के लिए। तो आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। तो दोस्तों आपके स्क्रीन पे ये जो है आपके विश्वविद्यालय का ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड की गई सिलेबस कॉपी है। अब इसमें अगर आप देखेंगे तो आपके सब्जेक्ट्स का नाम है फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव इन एजुकेशन, जिससे 80 नंबर का रिटेन पेपर होता है। 3 पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, एक एजुकेशन, दूसरा फिलोसफिकल परस्पेक्टिव और तीसरा सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव। वास्तव में यही कंप्लीट आपका सिलेबस है, वास्तव में यही कंप्लीट आपको पढ़ना है। तो इसमें टोटल 5 यूनिट है। 5 यूनिट में जो पहला यूनिट है वो आपके एजुकेशन से रिलेटेड होगा, और दूसरा और तीसरा यूनिट आपके फिलोसफिकल से रिलेटेड होगा, और चौथा और पांचवा यूनिट आपका सोशोलॉजी से रिलेटेड होगा। अब आइए चलते हैं आपके यूनिट वाइज सिलेबस को देख लेते हैं, और साथ ही साथ पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है और क्या इंपॉर्टेंट सवाल है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा आपको बताया गया कि आपका जो पहला यूनिट होगा वो रिलेटेड होगा एजुकेशन से। तो पहले यूनिट में आपको क्या पढ़ना है, पहले यूनिट में वास्तव में आपको पढ़ना है कि एजुकेशन कहते किसे हैं, एजुकेशन की मीनिंग क्या होती है और इसकी नेचर क्या होती है, प्रकृति क्या होती है। और साथ ही साथ आपको देखना है कि डिफरेंस बिटवीन एजुकेशन इन द प्रोसेस एंड द एजुकेशन एज ए डिसिप्लिन सब्जेक्ट। एजुकेशन आपका जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो किस तरीके से आपके लिए हेल्पफुल है, और एजुकेशन एज ए सब्जेक्ट एज ए डिसिप्लिन ये कैसे इंपॉर्टेंट है। तो आपको वास्तव में एजुकेशन के बारे में पढ़ना है कि एजुकेशन क्या होता है, एजुकेशन का नेचर क्या होता है, एजुकेशन के प्रोसेस और एजुकेशन डिसिप्लिन के अंदर कैसे यूज किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अब आपके नीचे आएगा, जहाँ पे आपको देखना है कि मीनिंग डिफरेंस बिटवीन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स एंड द नीड ऑफ डेफिनेट एम्स ऑफ एजुकेशन बेसिस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एम्स। आपको शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा के ऑब्जेक्टिव्स के बारे में जानना है कि एम्स और ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं आपके, ठीक है। और आपको ये भी दिखाना है कि द एम्स ऑफ एजुकेशन इन द प्रेजेंट ऑफ डेमोक्रेटिक इंडिया, लोकतांत्रिक भारत में शिक्षा का क्या महत्व है, शिक्षा का क्या उद्देश्य है, भारत के लोकतंत्र को अच्छा बनाने के लिए, भारत के लोकतंत्र को जीवित रखने के लिए, भारत के लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा किस प्रकार सहायक है। तो आपको पढ़ना है एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन और द लास्ट बट नॉट लीस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों इसमें से याद रखिए, मैं आपको 2 क्वेश्चन बताता हूँ, 2 में से 1 सवाल आपका कन्फर्म आना है। पहला है दोस्तों कन्फर्म, दोनों में से कन्फर्म मैं बताऊँ, पहला आपका एजुकेशन का, आपका इसका मीनिंग, आपका मीनिंग डेफिनेशन नेचर आपको ये पूछा जाएगा, कन्फर्म आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। दूसरा है जो आपकी आपका तीसरा पॉइंट आप देखेंगे, एजेंसीज ऑफ एजुकेशन मतलब शैक्षिक अभिकरण, अभिकरण वो होता है जिससे आपको शिक्षा प्राप्त की जाती है। एक कहते हैं ना कि एक संकुचित अर्थ में हम नैरो सेंस में कहते हैं कि एजुकेशन हमें स्कूल से मिलता है, लेकिन ब्रॉड सेंस में हम व्यापक शब्दों में हम कहते हैं कि शिक्षा जो है हमें केवल स्कूलों से नहीं, हमें परिवार से मिलता है, हमें समाज से मिलता है, हमें अपने देश दुनिया से मिलता है, और भी बहुत सारे अभिकरण एजेंसीज हैं शिक्षा के। तो कौन कौन से एजेंसीज है, पहला फॉर्मल है, फॉर्मल, दूसरा नॉन फॉर्मल, तीसरा इनफॉर्मल। अब इन तीनों में से एक सवाल आपको कंफर्म पूछा जाएगा, ठीक है। अब रोल ऑफ होम स्कूल एंड स्टेट इन द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, आपका घर कितना सहायक है, घर की भूमिका क्या है आपके शिक्षा में, आपके स्कूल की क्या भूमिका है, आपके राज्य की क्या भूमिका है आपके शिक्षा में। तो ये सारे एजेंसीज हो गए, और इसके बारे में कन्फर्म दोस्तों आपसे 15 नंबर का सवाल तो पूछा ही जाएगा, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक इसके बारे में डिस्कस किया गया है। मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप प्लीज़ एक ही वीडियो में आपका एक यूनिट आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो पहला यूनिट आपने देखा, पहला यूनिट आपका कंप्लीटली किससे था रिलेटेड, आपके एजुकेशन से रिलेटेड था कि शिक्षा क्या होता है, शिक्षा के उद्देश्य क्या होते हैं, और तीसरा था कि शिक्षा के अभिकरण एजेंसीज क्या होती हैं और उसका क्या रोल है आपके एजुकेशन में। दूसरा पॉइंट जैसा कि मैंने बताया था, दूसरा पॉइंट आपके फिलॉसफी से बेस होगा। और दोस्तों आपको पता है एक सवाल आप अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखेंगे तो हर साल पूछता है, वो क्या है, एजुकेशन और फिलॉसफी में रिलेशन,
कि शिक्षा और दर्शन में क्या संबंध है, या कभी कभी आपसे सवाल पूछता है कि सिद्ध मतलब व्याख्या करिए कि शिक्षा और दर्शन एक ही सिक्के की दो पहलू हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल पूछता है। आप सेकंड यूनिट देखेंगे तो सेकंड यूनिट क्या है, मीनिंग नेचर एंड द स्कोप ऑफ फिलॉसफी। दर्शन, फिलॉसफी का मतलब क्या होता है, दर्शन। रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी, ये दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड फिलॉसफी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार सवाल इससे पूछता ही पूछता है। अब क्या है, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन नेचर स्कोप एंड इट्स यूटिलिटी फॉर टीचर। एक दर्शन का क्या यूटिलिटी है, उपयोगिता है एक शिक्षक के लिए, और इसके क्या प्रकृति है, इसका क्या क्षेत्र है, तो दर्शन के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था कि द रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड द फिलॉसफी। दूसरा यूनिट देखिए, इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी। अब इंडियन स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी का मतलब, जैसे भारत में कुछ अपने शिक्षा दर्शन है, जैसे वेदांत शिक्षा दर्शन, या फिर हम इसको वैदिक काल की शिक्षा के बारे में अगर हम बात करें तो वेदांत शिक्षा दर्शन का मतलब वेदों की शिक्षा की बात। दूसरा है बौद्धिज्म, जैनिज्म और इस्लामिक ट्रेडिशंस एंड देयर इम्पैक्ट ऑन द एजुकेशन। अब हमारे देश में एक काल था वैदिक काल, ठीक है, ईसा पूर्व से लेकर 600 के ईस्वी तक हम वैदिक काल कहते हैं। तो इस वैदिक काल में शिक्षा की संरचना क्या थी, वैदिक काल में शिक्षा को किस तरीके से देखा जाता था। तो वैदिक काल, तीनों कालों में, वैदिक, मुस्लिम या बौद्धिक या जैनिक, इसमें शिक्षा का मेन जो हमारा कॉन्सेप्ट क्या था, वो मोक्ष की प्राप्ति थी, ईश्वर की प्राप्ति थी, ठीक है। तो ये एक दर्शन हो गया। तो आपको यही पढ़ना है कि इन चारों दर्शन में, चाहे आपकी वेदांत दर्शन हो, बुद्धिस्ट दर्शन हो, जैनिज और इस्लामिक, इन तीनों शिक्षा दर्शन के उद्देश्य क्या थे, ठीक है, इनका शिक्षा पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ठीक है, और इनके कॉन्सेप्ट और इनकी अवधारणा क्या थी, इनका उद्देश्य क्या था, इनका करिकुलम और पढ़ाने का मेथड क्या था। तो आपको ये पढ़ना है आपके इन चारों दर्शन के बारे में। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट दोस्तों, कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन एजुकेशन थिंकर। जो भारतीय दार्शनिक विचारक रहे ना, जो शैक्षिक फिलोसोफर रहे, उनके बारे में देखना है कि वो शिक्षा के बारे में क्या सोचते थे, उन्होंने क्या कॉन्सेप्ट दिया और उनके क्या योगदान रहा। जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी को, रविन्द्रनाथ टैगोर का शिक्षा में क्या योगदान रहा, या स्वामी विवेकानंद जी का, जैसे आप देखेंगे आपका यहाँ पे है कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी को यहाँ पे शिक्षा में क्या योगदान रहा, और इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जी का शिक्षा में क्या योगदान रहा, और महात्मा गांधी जी का शिक्षा में क्या योगदान रहा। इन तीनों लोगों ने शिक्षा की अवधारणा किसे मानी, किसे शिक्षा का कॉन्सेप्ट माना। जैसे अगर मुझे गांधी जी की बात याद आ रही है, गांधी जी की शिक्षा का कॉन्सेप्ट था कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है कि बालक के शारीरिक विकास, उसका 3H का फॉर्मूला दिया था महात्मा गांधी जी ने। 3H का फॉर्मूला का मतलब उन्होंने क्या था कि शिक्षा ऐसी हो जो 3H, आपका हैंड मतलब आपको कार्य करने के योग बनाए, आपका हार्ट, हार्ट मतलब आपके नैतिक का विकास करे, और आपका हेड, हेड मतलब आपका बुद्धि का विकास करे। तो महात्मा गांधी जी ने ये 3H का फॉर्मूला दिया था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने क्या इस शिक्षा का कॉन्सेप्ट माना था, शिक्षा का उद्देश्य माना था, और शिक्षा को किस तरीके से पढ़ाने की बात करी थी। स्वामी विवेकानंद जी ने शिक्षा का क्या उद्देश्य माना था, या शिक्षा को किस तरीके से पढ़ाने की बात करी थी। तो आपको ये कंप्लीट पढ़ना है, और याद रखिए यही आपका सिलेबस है बच्चों, इसी में से सवाल पूछे जाएंगे, और बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है। जब आप इसको पढ़ेंगे ना, तो आपको लगेगा कि आप इन लोगों के शिक्षा दर्शन को सीख रहे हैं। बहुत ही मज़ा आने वाला है इस सब्जेक्ट्स में, और हम इन सब चीज़ों को पढ़ेंगे। ये जो आप वीडियो देख रहे हैं, इसके डिस्क्रिप्शन में जो भी इससे रिलेटेड वीडियोस होंगी वो मैं डालता रहूँगा, आप इकट्ठा आपको मिल जाएगा यहाँ पे। तो ये दोस्तों मैंने कहा था कि दो यूनिट आपके फिलॉसफी से बेस होंगे, तो दूसरा आपका फिलॉसफी से था, तीसरा भी आपका फिलॉसफी से है, लेकिन आपने दूसरा यूनिट इंडियन फिलॉसफी था, तो तीसरा यूनिट बच्चों आपका वेस्टर्न फिलॉसफी था। वेस्टर्न फिलॉसफी का मतलब जो लोग इंडिया से बाहर रहे हैं, उनका भी आपकी फिलॉसफिकल थॉट पढ़ना है। जैसे कि दूसरा था कंट्रीब्यूशन ऑफ वेस्टर्न एजुकेशन थिंकर, जैसे प्लूटो ने शिक्षा में क्या योगदान दिया, रूसो ने, जॉन डेवी ने, इनका कॉन्सेप्ट, एम्स और कंटेंट और मेथड क्या था, आपको इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। और तीसरे ही यूनिट में आपका पहला जो टॉपिक है वो क्या है, पहला है वेस्टर्न स्कूल ऑफ फिलोसोफर, आइडियलिज्म, आदर्शवाद, नेचुरलिज्म, प्रकृतिवाद, प्रैग्मेटिज्म, प्रयोजनवाद, और ह्यूमनिज्म मानवतावाद, और उनका इंपैक्ट ऑन द एजुकेशन विद द रेफरेंस, स्पेशल रेफरेंस। तो आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, प्रयोजनवाद और ह्यूमनिज्म, मनुष्यवाद, तो इनके बारे में आपको पढ़ना है कि ये चीज़ें होती क्या हैं, इनका कॉन्सेप्ट क्या है, इनकी प्रकृति क्या है, इनका अवधारणा क्या है। तो आपने देखा दूसरा और तीसरा यूनिट बच्चों, आपका दूसरा और तीसरा यूनिट क्या था, दूसरा और तीसरा यूनिट ये फिलॉसफी से बेस्ड था, फिलॉसफिकल पर्सपेक्टिव था शिक्षा का। अब हम चलेंगे चौथा और पाँचवा। चौथा और पाँचवा आपके ये दोनों पॉइंट किससे रिलेटेड होंगे, ये आपके रिलेटेड होंगे सोशोलॉजी से, आपके समाजशास्त्र से रिलेटेड होंगे। तो चौथा यूनिट देखिए,
चौथा यूनिट क्या है, मीनिंग एंड द स्कोप ऑफ सोशियोलॉजी, समाजशास्त्र का अर्थ क्या होता है, सोशियोलॉजी का उसकी क्षेत्र क्या होती है। सोशियोलॉजी पता क्या है, सोशियोलॉजी, लॉजी उसका मतलब होता है साइंस, तो सोशियोलॉजी का मतलब होता है आपको सोसाइटी का साइंस, समाज का विज्ञान, समाज का विज्ञान ही सामाजिक विज्ञान कहलाता है, सोशियोलॉजी समाज का विज्ञान ही समाजशास्त्र कहलाता है। तो आपको समाज का वैज्ञानिक अध्ययन करना है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड द सोशियोलॉजी, शिक्षा और समाजशास्त्र में क्या संबंध है, समाजशास्त्र की अर्थ क्षेत्र, एजुकेशन साइकोलॉजी एंड यूटिलिटी फॉर टीचर, एक शिक्षक के लिए कितना सहायक है। शिक्षक ये जान के क्या करेगा कि समाज आपका कैसा है, बहुत कुछ करेगा, तभी तो वो समाज को बेहतर बनाएगा। इंडियन सोसाइटी इट्स साइलेंट फीचर एंड द इम्पैक्ट ऑन द एजुकेशन, रोल ऑफ एजुकेशन इन द इवैल्यूएशन डेमोक्रेटिक सोशल स्ट्रक्चरल एंड सेकुलर सोसाइटी, एक शिक्षा का क्या रोल है, शिक्षा की क्या भूमिका है आपके भारत देश को और सेकुलर बनाने के लिए, आपको सहिष्णु बनाने के लिए, आपको लोकतांत्रिक बनाने के लिए शिक्षा का क्या भूमिका है, रोल क्या है। थर्ड पॉइंट है बच्चों एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन, समाजीकरण, पहला सोशियोलॉजी था मतलब समाजशास्त्र, तीसरा समाजीकरण, एक व्यक्ति को कैसे आप समाज के रूप में ढालेंगे, समाजीकरण कैसे करेंगे समाज का, समाजीकरण का मीनिंग, फैक्टर, एजेंसीज ऑफ सोशलाइजेशन, रोल ऑफ एजुकेशन इन द सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, एक शिक्षा किस प्रकार से रोल प्ले करता है, भूमिका निभाता है किसी बच्चे को समाजीकरण बनाने में, किसी बच्चे को सामाजिक रूप में बनाने में, ठीक है। फोर्थ है बच्चों एजुकेशन द सोशल चेंजेस, मीनिंग फैक्टर एंड द सोशल चेंजेस, रोल ऑफ एजुकेशन अबाउट द सोशल चेंजेस, कैसे समाज बदलता रहता है उसमें शिक्षा की क्या भूमिका होनी चाहिए, ठीक है। पांचवा पॉइंट है एजुकेशन फॉर द, ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक ही पॉइंट लेकिन कई बार पूछता है, शिक्षा का नेशनल इंटीग्रेशन और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, राष्ट्रीय एकाकीकरण और अंतर्राष्ट्रीय अवबोध, शिक्षा कैसे इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग, अंतर्राष्ट्रीय अवबोध कराता है वैश्विक मंच पे, यू नो ग्लोबलाइजेशन के बारे में, कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पे कैसे आपको जोड़ता है शिक्षा, और आपको एक शिक्षा कैसे राष्ट्रीय एकाकीकरण करता है, पूरे राष्ट्र को एक सूत्र में कैसे बांधता है, ये आपको पढ़ना है चौथे यूनिट में। इस सबका वीडियोज बनाया जा चुका है दोस्तों, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप आराम से देखिएगा, मुश्किल से 10 से 15 दिन का आपका ये पूरा कोर्स है, अगर आप रेगुलर 2 से 3 घंटा मेहनत करते हैं तो प्लीज़ आप अपना रेगुलर 2 से 3 घंटा आप मुझे एक बार दे दीजिएगा, आप मेहनत कर लीजिएगा, कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा, फिर आप अपनी सेल्फ स्टडी ज़रूर करिए, वही आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाँचवा यूनिट देख लेंगे फिर इस वीडियो को समाप्त करेंगे कि आपके फर्स्ट पेपर फिलोसफिकल एंड सोशोलॉजिकल परस्पेक्टिव बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी का पहला सब्जेक्ट का आखिरी यूनिट क्या कहता है, इसको भी देख लेते हैं, आपके समाज के बारे में, मीनिंग नेचर एंड द स्कोप ऑफ द जेंडर स्टडीज़, यू नो लैंगिक विभेद होता है जैसे लड़का लड़की, इसमें विभेद किया जाता है, इसके बारे में आपको पढ़ना है कि इसके मीनिंग क्या होता है, इसकी प्रकृति क्या होती है। नीड ऑफ जेंडर स्टडी फॉर द टीचर, एक शिक्षक के लिए जेंडर स्टडीज़ क्यों ज़रूरी है, क्यों जरूरी है, ये आपको जानना है और बड़ा अच्छा लगेगा इसको पढ़ने में। लास्ट पॉइंट देख लेते हैं इस यूनिट का, मतलब लास्ट यूनिट है वो क्या है, वो है दोस्तों आपका है कि जेंडर डिफरेंस एंड जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, इसके क्या कारण हैं और इसको कैसे रोका जा सकता है, जैसे कि लैंगिक विभेदीकरण होता है ना, जो बच्चों के लड़का या लड़की होने के नाम पे लग डिस्क्रिमिनेट करते हैं, तो इसके कारण क्या हैं, ऐसा लोग क्यों करते हैं और आप इसको कैसे रोक सकते हैं, ठीक है। जेंडर सेंसिटिव टीचिंग प्रैक्टिस इन द एजुकेशन इंस्ट्रक्शन, जेंडर बेस बायस इन द करिकुलम टीचर एजुकेशन इंस्ट्रक्शन, तो यही चीज़ें आपको ना जेंडर से रिलेटेड, इसका मेन सवाल यही आता है कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन से आप क्या समझते हैं, इसके कारण, इसके कॉजेस और इसके बचाव के उपाय बताइए। जेंडर टाइप्स ऑफ जेंडर, मेल फीमेल एंड ट्रांजिशन, जेंडर रूल्स एंड द जेंडर डिवीजन फॉर लेबर, कल्चर एंड द फॉर्मेशन ऑफ द जेंडर आइडेंटिटी, तो ये आपका लास्ट पॉइंट था इसके यूनिट का। अगर आप बुक्स की बात करें तो कुछ बुक्स यहाँ पे रेफरेंस में दिया गया है कि आपको कौन सा बुक्स पढ़ना है। मोस्ट फेमस और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका बुक है बच्चों अग्रवाल पब्लिकेशंस की, जो कि आपको ये क्या है चौबे SP और माथुर SS जी का रिटन है, इनके द्वारा लिखा गया है, तो अग्रवाल पब्लिकेशंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट फेमस किताबें हैं, अगर आप पढ़ना चाहते हैं बुक से तो आप वो ले सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने क्या किया, इस वीडियो में हमने आपके पूरे फर्स्ट यूनिट का सिलेबस डिस्कशन करा था कि आपको फर्स्ट यूनिट में टोटल क्या पढ़ना है। आपने देखा पांच पॉइंट था, पांच पॉइंट में पहला एजुकेशन था, और एजुकेशन से दोस्तों आप देखेंगे ना बहुत, देखिए 80 नंबर का आपका पेपर होगा ना, तो 80 में सोचिए कम से कम एक यूनिट से तो 5 नंबर का 15 नंबर का तो आएगा, तभी तो 15 75 75, तो एक से 15 नंबर का आएगा। लेकिन पहला जो यूनिट है दोस्तों इससे कम आपके 20 नंबर के तो सवाल आ जाएंगे, ठीक है।
ठीक उसी प्रकार से दूसरा 15 नंबर हर एक यूनिट से आना है। तो पहले यूनिट में शिक्षा की अर्थ, प्रकृति, विशेषताएं, शैक्षिक अभिकरण, एजुकेशनल एजेंसीज, यही सवाल है और कुछ नहीं है। दूसरे यूनिट की बात करें तो दूसरा यूनिट आपका क्या था, दूसरा यूनिट आपका था फिलॉसफी, शिक्षा और दर्शन में संबंध, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक सवाल देखिए शिक्षा और दर्शन में संबंध, तीसरा जैसे कि बौद्ध शिक्षा, इस्लामिक शिक्षा और वैदिक शिक्षा, इसमें से कन्फर्म नहीं होता। इन तीनों में से एक 100% आएगा, लेकिन कौन आएगा वो हमें नहीं पता। और कॉन्ट्रीब्यूशन, इन तीनों में से एक कॉन्ट्रीब्यूशन तो पूछेगा कि महात्मा गांधी या विवेकानंद या रविन्द्रनाथ टैगोर जी का, इन तीनों में से एक का कॉन्ट्रीब्यूशन तो पूछेगा, लेकिन कौन सा पूछेगा वो विश्वविद्यालय जानता है आपका, लेकिन इन तीनों को आपको तैयार करना है। तो इस तरीके से अगर हम पढ़ेंगे ना तो आपका पेपर भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, समझ में आ जाएगा और आपको मतलब समझ आ जाएगा कि हमें लिखना क्या, हमें पढ़ना क्या है। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। आगे की और भी वीडियोस आपको मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन में दोस्तों आपके टेलीग्राम का लिंक है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, उससे आप जुड़ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में जो भी आपके इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगे ना उसका मैं लिंक यहाँ पे दे दूंगा, आप वहाँ से देखिए। और बाकी हमारी रेगुलर ऐसे क्लासेस आएंगी हर एक सब्जेक्ट्स पे, दूसरे सब्जेक्ट्स पे, तीसरे सब्जेक्ट्स पे, हर एक सब्जेक्ट्स पे आपके वीडियोस मिलते रहेंगे। बस आपको क्या करना है, आपको सपोर्ट करना है, चैनल से जुड़े हुए रहना है, ठीक है। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही दोस्तों, मिलेंगे अगली वीडियो में एक नई विषय के साथ, नए सिलेबस के साथ, नए एक वीडियो के साथ, नए यूनिट के साथ। तब तक अपना खूब ख्याल रखिए, सेल्फ स्टडी जरूर करिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।